फ्रेंड्स नमस्ते। आज हम आपको बेल का शरबत बनाना सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 3 बेल लिए हैं, 1 कटोरी चीनी लिए हैं और आधा नींबू लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बेल को तोड़ के इसका बीच का सारा गूदा निकाल लिया है। ये देखिए आप लोग, ऐसे मैंने सारे गूदे को निकाल लिया है। इसके बाद जो एक कटोरी शक्कर ली है इसमें डालेंगे। आप मीठा अपने हिसाब से कम अधिक कर सकते हैं। फिर इसको हाथ से, इसको स्पून से आप लोग नहीं, हाथ से मैश करिएगा। हाथ अच्छे से वॉश करके इसको कर लीजिएगा, इसको खूब हाथ से खूब अच्छे से मिलाइएगा कि शक्कर इसमें गल जाए। दोस्तों गर्मी बहुत बड़ी, और गर्मी में अगर बेल का शरबत मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, वो भी हेल्थ के लिए। खासकर पेट में जिसको दिक्कत होती है, वो अगर रोज़ बेल का शरबत पिए तो पेट संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो देखिए हमने सारा इसको शक्कर को और बेल को इसमें मिला लिया है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने पानी ले लिया, एक बॉटल पानी लिया है। 3 बेल थे तो इसमें 1 लीटर पानी काफ़ी है। आप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला कर सकते हैं, लेकिन बेल का शरबत अगर पतला रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। देखिए धीरे धीरे हमने पानी डाल दिया है। आप लोग हाथ को इग्नोर करिएगा कि हाथ से बेल का शरबत हाथ से ही सबसे अच्छा बनता है। स्पून लगाएंगे, कलछी लगाएंगे तो उतना वो नहीं हो पाता है। हाथ, हाँ हाथ को धुल के तब शरबत रबत में हाथ करिएगा, डालिएगा। तो चलिए हमने पानी डाल दिया है। अब इसको कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब एक कलछी लेंगे, तो कलछी देखिए कैसा हो गया, ये थिक कैसा हो गया, थिक थिक। अगर आप फ्रिज में ना रखते तो ये थिक नहीं होता, पतला रहता। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। फ्रिज में रखने से एक ये फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पूरा गाढ़ा हो जाता है। अगर आप ठंडे पानी में डायरेक्ट बनाएंगे तो पतला रहता है। एक बार इस तरह बना के देखिएगा, देखिए कितना थिक है, क्योंकि ये जो बेल थे वो ये फूल जाते हैं पानी के अंदर। ज़्यादा नहीं, आपको 20 मिनट 25 मिनट बस उतने ही देर रखना है। उससे आपका ये ठंडा भी हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाता है। अब इसमें जो नींबू लिए थे आधा, इसको डाल देते हैं। इसमें निचोड़ दिए नींबू को। अब इसको एक बार फिर से मिला लिया जाए। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। देखिए देखिए कितना अच्छा। फ्रेंड्स बहुत लोग बेल के शरबत में नींबू नहीं डालते, लेकिन आप एक बार नींबू डाल के बेल का शरबत बनाइएगा, देखिएगा क्या स्वाद आता है। एक अलग सा उसमें स्वाद आएगा। जैसे कभी कभी आप डायरेक्ट जो केवल बेल का शरबत पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसकी खुशबू आती है, अब नींबू डाल देंगे तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तब चलिए एकदम तैयार हो गया है। अब इसको छान लिया जाए। छानने के लिए मैंने ये यूज किया है, छन्नी से ज़्यादा इसका ये गिर जाता है। धीरे धीरे आप ऐसे घुमाएंगे, देखिए छन्नी में इतनी आराम से कलछुल घूम नहीं पाती, इसीलिए बड़ी डलिया मैंने ली है। ये डलिया केवल मैं शरबत, बेल के शरबत के लिए ही यूज करती हूँ। देखिए कितने आराम से निकल गया, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। मेरी विधि से बेल का शरबत बनाइए, और मेरी विधि से जैसे छाना जाता है वैसे छानिए। ये देखिए
वो दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ नहीं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, बेल का शरबत एकदम तैयार है। अब इसको मैं ग्लास में सर्व करती हूँ। ये देखिए, अगर आपको आइस के टुकड़े डालना है तो इसमें आइस के 2 टुकड़े डाल दीजिए, वरना नहीं। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए तैयार करी तो उसको ठंडा पीना है। फ्रेंड्स, जो मैंने बेल जिसमें से बेल निकाली थी उसकी खोपड़ी देखिए, इसमें मैं अपने लिए फ्रेंड्स देखिए बेल का शरबत तैयार हो गया। अगर आपको आज की मेरी यह शरबत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कल एक नए रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय।